हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेथन। मैं हूँ अनाय और मैं आपकी फिजिक्स में मदद करूँगा। उम्मीद करता हूँ सब कोई अच्छे होंगे, भले होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हैं। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज का क्लास। आज हम देखने वाले मैटर, और हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास था मैटर का, जिसमें हमने देखा था व्हाट इज मैटर, हाउ टू आइडेंटिफाई मैटर, what are the components which constitute matter and like the states of matter का हमने introduction देखा था। so आज हम states of matter को continue करते हुए आज हम देख लेंगे different properties of the states of matter, that is solids, liquids and gases। so आपको याद होगा ये तीन थे हमारे स्टेट ऑफ मैटर, जो कि हमारे करिकुलम में होते हैं और जिनके साथ हम काम करते हैं अपनी दिनचर्या में। सो इन तीन स्टेट्स ऑफ मैटर, ये स्टेट्स ऑफ मैटर ही हैं। व्हाट इज डिफरेंट यहाँ पे, व्हाट मेक्स देम डिफरेंट। सो वो कैरेक्टरिस्टिक्स या वो बिहेवियरल प्रॉपर्टीज या वो स्ट्रक्चर या वो अरेंजमेंट जो इन तीनों को डिस्टिंग्विश करने में हमें सहायता करती है, हमें आइडेंटिफाई करने में सहायता करते हैं, उन्हें हम प्रॉपर्टीज बोलते हैं। विभिन्न प्रॉपर्टीज जो कि उसका केमिकल कॉम्पोजिशन हो सकता है, जो कि उसका लुक एंड फील हो सकता है, उसका हाउ इट इज बिहेविंग और हाउ इट रिएक्ट्स टू द एनवायरमेंट और हाउ इट रिएक्ट्स व्हेन एन एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड और टेम्परेचर इज अप्लाइड टू इट। सो इस पे डिपेंड करके उसके प्रॉपर्टीज को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या उसके प्रॉपर्टीज हमें उस मैटर का टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए या स्टेट को आइडेंटिफाई करने के लिए मदद कर सकता है। सो चलिए हम देख लेते हैं वो प्रॉपर्टीज क्या क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे सॉलिड। सॉलिड हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम। सो बाय डेफिनेट वॉल्यूम हम क्या समझ सकते हैं, सॉलिड एक जगह ऑक्यूपाई करता है जो कि डेफिनेट होता है। अगर एक हम सॉलिड सब्सटेंस को मान ले, सपोज आपका बुक मान लो, अगर आप वो बुक को टेबल पे रखते हो तो भी वो उतना ही जगह लेता है, अगर आप उसको अपने अलमीरा में रखोगे तो भी वो उतना ही जगह लेता है, अगर आप अपने बैग में रखोगे तो भी वो उतना ही जगह लेता है। मतलब इट हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम और इट ऑक्यूपाइज अ डेफिनेट शेप, ऑक्यूपाइज डेफिनेट स्पेस। ठीक है, अब हम सॉलिड का दूसरा प्रॉपर्टी देख लेते हैं, शेप इज डेफिनेट। सो अगर हम एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज या बहुत सीवियर कंडीशंस को डिसरिगार्ड कर दें, जो कि हायर ऑर्डर एक्सपेरिमेंट्स में देखा जाता है, तो इट विल ट्राई टू रिटेन इट्स शेप। सो रिगार्डलेस ऑफ बीइंग अ फ्यू एक्सेप्शंस, जैसे कि रबर हो गया या फिर स्पंज हो गया, दोज आर ऑल्सो सॉलिड्स, बट ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, जैसे अगर आप स्पंज को दबाओगे तो वो अपना फॉर्म चेंज करता है, बट उसके पीछे का फिजिक्स भी अलग है, बिकॉज स्पंज हैज स्पंज अगर आपने कभी बहुत करीब से ऑब्जर्व किया होगा तो इट हैज होल्स। अगर आप एक स्पंज के सरफेस को देखो तो इट हैज होल्स, लार्ज चंक्स ऑफ होल्स, जिसके अंदर एयर रहता है, एयर पार्टिकल। सो व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन अ स्पंज from both sides, it shrinks, मतलब वो
वो श्रिंक करता है, बट आफ्टर यू रिलीज द प्रेशर, आप जब उस पर फोर्स अप्लाई करना बंद कर देते हो उसके सरफेस पे, तो वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, इट अ सॉलिड हैज अ डेफिनेट शेप, एक्सेप्शंस जैसे कि रबर और स्पंज आर ऑल्सो सॉलिड्स, बट दे लाइक कम बैक टू देयर ओरिजिनल शेप व्हेन द फोर्स और प्रेशर इज रिमूव्ड फ्रॉम देयर सरफेस। सो देखो ये ब्लैक बोर्ड भी सॉलिड है, मैं इसे प्रेस कर पा रहा हूँ क्या? इतने आसानी से ये टूटेगा भी नहीं। अगर मैं इसे प्रेस भी करूँ तो ये डिसप्लेस होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये मूव होगा अपने जगह से, बट ये अपना फॉर्म या शेप चेंज नहीं कर रहा है। सो ये एक सॉलिड का और दूसरा भी प्रॉपर्टी हो गया। सो इस प्रॉपर्टी या अभी पुश के प्रॉपर्टी से भी हम और एक प्रॉपर्टी देख सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब द पॉसिबिलिटी ऑफ कंप्रेसिंग और प्रेसिंग सब्सटेंस टू चेंज इट्स फॉर्म इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। सो सॉलिड्स आर लाइक वेरी लेस और नील, कंप्रेसिबिलिटी इज नील इन केस ऑफ सॉलिड, सो दे आर नॉट इजिली कंप्रेस्ड। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड वेरी इजिली। सो आप अगर एक पत्थर को अपने मुट्ठी में लेकर दबाने का कोशिश करोगे, सो आपको सुपरमैन या फिर हल्क होना पड़ेगा उस पत्थर को तोड़ने के लिए। सो इट रिक्वायर्स ए इमेंस अमाउंट ऑफ फोर्स टू कंप्रेस अ सॉलिड दैट इजिली। अगर आप एक मार्बल को लेके कंप्रेस करने का कोशिश करोगे तो आप उसको कंप्रेस कर सकते हो क्या? द सॉलिड्स आर नॉट इजिली कंप्रेस्ड। अगर आप एक ब्रिक को लेके कंप्रेस करने का कोशिश करोगे तो आप उसको कंप्रेस नहीं कर पाओगे। सो और एक हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं सॉलिड का, टेक्सचर। सो सॉलिड को अगर आप छुओगे तो जैसे अगर ये मार्कर को आप डिफाइन करना चाहो टेक्सचर में, तो इट इज स्मूथ एंड राउंड और इट इज सिलेंड्रिकल इन शेप। अगर आप ब्रिक को टच करके फील करके उसका टेक्सचर को डिफाइन करोगे तो क्या करोगे? इट्स दैट ब्रिक इज हार्ड एंड इट्स रफ। सो ऐसे ही अगर एक आप बॉल को, एक क्रिकेट बॉल को फील करके उसका टेक्सचर अगर आप डिफाइन करना चाहो तो क्या होगा? इट्स हेवी एज वेल एज इट्स राउंड एंड स्मूथ। सो अ सॉलिड हैज अ डेफिनेट टेक्सचर। सो इट्स ऑल्सो अनदर प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉलिड। अनदर प्रॉपर्टी कैन बी फ्री सरफेस। सो सॉलिड हैज मल्टीपल फ्री सर्फेसेस। ये ब्लैक बोर्ड का एक ये फ्री सर्फेस है, एक ये फ्री सर्फेस है, इसके पीछे एक फ्री सर्फेस होगा, इसके नीचे एक फ्री सर्फेस होगा। सो देर आर मल्टीपल फ्री सर्फेसेस वेर वी कैन लाइक वेर वी कैन टच एंड फील और आइडेंटिफाई दैट इट इज अ सॉलिड। सो अ सॉलिड हैज मल्टीपल फ्री सर्फेसेस। दिस मार्कर हैज अ फ्री सर्फेस ऑन इट्स बॉटम, इट हैज अ फ्री सर्फेस ऑन इट्स टॉप, इट हैज एंटायर फ्री सर्फेस अक्रॉस इट्स सर्कमफेरेंस। सो द होल बॉडी इज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ मल्टीपल फ्री स्पेसेस। सो ये हो गए मेरे पांच प्रॉपर्टीज जो कि जिससे कि हम सॉलिड को डिफाइन कर सकते हैं। सो आप इसको दिमाग में रखना, बिकॉज ऐसे ही बहुत और भी प्रॉपर्टीज हैं जो हमें सॉलिड से लिक्विड को डिस्टिंग्विश करने में या फिर आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं लिक्विड्स के प्रॉपर्टीज। लिक्विड के फिर हम वॉल्यूम के कंटेक्स्ट में देखते हैं। यस, लिक्विड आल्सो हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम। सो सपोज आप 1 लीटर पानी अगर बॉटल में रखे हुए हो एंड यू पोर दैट 1 लीटर इन ए कंटेनर और ए बीकर, तो वो 1 लीटर ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो जाएगा। द कंटेनर ऑफ वाटर चेंज्ड बट द अमाउंट ऑफ वाटर दैट वॉज अवेलेबल इनसाइड द बॉटल रिमेन्स द सेम। सो वॉल्यूम फिक्स्ड होगा, एक लिक्विड के लिए वॉल्यूम फिक्स्ड होगा। बट कौन सा प्रॉपर्टी चेंज हो गया लिक्विड का? शेप, शेप चेंज हो गया। सो इनिशियली वो एक बॉटल में था, जो कि चेंज होके एक बीकर में आ गया।
So what changed? Shape changed. The volume remained same, but the shape changed. So लिक्विड्स का ये एक प्रॉपर्टी है जो कि इम्पॉर्टेंट है, हमें ध्यान में रखना चाहिए कि वो सॉलिड से किस मामले में सेम है, कि उसका वॉल्यूम बराबर रहेगा, वॉल्यूम विल रिमेन इक्वल, बट इट्स शेप डिपेंड्स अपॉन द कंटेनर इट्स केप्ट इनटू। सो अगर ये एक आप एक मेजरिंग सिलेंडर में रखोगे उसे, तो यहाँ पे भी वो 1 लीटर ही रहेगा, बट उसका शेप चेंज हो गया। तो लिक्विड का ये प्रॉपर्टी यूनिक है जो कि सॉलिड से डिफरेंट है। तो अब तीसरा प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, फ्लूइडिटी। सो फ्लूइडिटी से हम क्या समझते हैं, वो कितना फ्लेक्सिबल है टू फ्लो। सो सिंस लिक्विड्स आर नॉट एज टाइटली पैक्ड एज सॉलिड्स, सो ये भी हम डिस्कस करेंगे, टाइटली पैक्ड क्या होता है, लूजली पैक्ड क्या होता है। सो दे आर नॉट एज टाइटली पैक्ड एज सॉलिड्स, दे टेंड टू फ्लो और स्लाइड ओवर। सो मॉलिक्यूल, अगर एक लिक्विड का मॉलिक्यूल का हम बात करें, सो दे हैव अ टेंडेंसी टू स्लाइड। एक लिक्विड का मॉलिक्यूल दूसरे लिक्विड के मॉलिक्यूल के ऊपर स्लाइड करता है, तो दे हैव द फ्लूइडिटी और दे टेंड टू फ्लो। सो ये एक और प्रॉपर्टी है। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी हमने क्या देखा था सॉलिड का, फ्री सरफेस। यस, लिक्विड्स liquids have a free surface, but only one. Liquids have only the free surface where the air is exposed to them, that is the top layer. जो container में वो liquid है उसका एक ही free surface होगा, that is the topmost layer where the liquid is kept. So उसका free surface एक ही होता है. And compressibility. So liquids are also incompressible, but they can be compressed a little. So they can be compressed very little, like they are also incompressible, we can say. So since the space between the molecules, that is the intermolecular spaces, is still available, so they can be compressed a little. Like solids are not at all compressible, but liquids are a bit more compressible than solids, but we can still count them as incompressible. So these are the properties of liquids. Now let's move on ahead to the properties of gases. स्टार्ट करते हैं हम वॉल्यूम से। सो गैसेस हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, बोलना गलत होगा या नहीं होगा आप बताओ। सपोज मैं एक बलून के अंदर एयर ब्लो करता हूँ, एयर ब्लो करता हूँ, तो बलून का जितना भी एक स्फेरिकल शेप है, तो उसके अंदर जितना भी गैस आया, मान लो 300 मिलीलीटर्स, अगर हम डिफाइन करते हैं 300 मिलीलीटर्स ऑफ गैस मैंने फिल करा बलून के अंदर में, अगर मैंने वो रिलीज कर दिया, आई रिलीज दैट गैस, लाइक आई डिफ्लेटेड दैट बलून, बलून को मैंने रिलीज कर दिया, तो वो गैस इस पूरे रूम में फैल गया। सो वो गैस पूरा, मतलब इट डिड नॉट कंटेन itself within that balloon itself, now it's filled in this entire room, that 300 ml gas flew across the entire room. So gases don't have a proper volume defined for them. So the particles of gas or the molecules of gas are so less attracted to each other, or the intermolecular spaces is so large that they don't have, or they don't tend to have a fixed volume. ठीक है, और ये हो गया शेप। सो डेफिनेट, द मोस्ट डेफिनेट थिंग इज दैट दे वोंट टेंड टू हैव अ फिक्स्ड शेप आल्सो, बिकॉज़ अभी जो एग्जांपल मैंने दिया,
जब मैं गैस को एक बलून के अंदर ब्लो किया था तो उसका शेप वॉज द शेप ऑफ दैट कंटेनर। अगर मैं इस रूम के अंदर उस गैस को ढूंढने का कोशिश करूँ तो इट विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बिकॉज ऑल द मॉलिक्यूल्स विल बी स्कैटर्ड अक्रॉस द रूम, सो उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होगा। अब फ्लूइडिटी की बात करते हैं, सो गैसेस आर एक्सट्रीमली फ्लूइड और दे आर इवन मोर फ्लूइड देन लिक्विड्स बिकॉज द इंटरमोलिक्यूलर स्पेसेस बिटवीन गैसेस इज लार्ज एंड द इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, इट्स द लोएस्ट। सो अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो इट विल टेंड टू लाइक मूव अवे और लाइक इस्केप। सो गैसेस हैव अ टेंडेंसी ऑफ एस्केपिंग द कंटेनर, इट ऑलवेज टेंड्स टू मूव टू अ लार्जर स्पेस और द बिगर स्पेस अवेलेबल देन इट ऑलरेडी हैज बीन केप्ट इन। सो अगर आप लीड को एक कंटेनर में एक कोई गैस है, सपोज एयर ऑक्सीजन इज देयर और सपोज CO2 इज देयर, सो इफ यू हैव केप्ट इट इन इनसाइड अ क्लोज्ड कंटेनर विद अ लिड ऑन इट, द गैस स्टेज इनसाइड इट, बट एज सून एज यू ओपन द लिड द गैस ट्राइज टू एस्केप एंड टेक्स द लार्जर स्पेस अवेलेबल अराउंड इट, मे बी द रूम और मे बी अनदर लार्जर कंटेनर विच कवर्स द स्मॉलर कंटेनर। सो इट्स फ्लूइडिटी इज एक्सट्रीमली हाई। नाउ इफ इट इज फ्लूइड, वॉट अबाउट द फ्री सरफेस? सो इट डजेंट हैव एनी फ्री सरफेस, गैसेस एज सच डजेंट हैव ए फ्री सरफेस बिकॉज वी कैन नॉट एक्चुअली से दैट लाइक अ सॉलिड वी कैन फील एंड से दैट इट इज द लेंथ साइड और इट इज द ब्रेड साइड। फॉर अ लिक्विड वी कैन टच द सर्फेस एंड से इट इज अ सर्फेस, बट फॉर गैसेस एक्चुअली दे डोंट हैव अ फ्री सर्फेस बिकॉज इट्स नॉट डेफिनेट, इट्स चेंजिंग ऑल द टाइम बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, दैट्स नॉट डेफिनेट, लाइक इट्स अ इरेगुलर और अ ब्लर्ड फील्ड वेयर वी कैन आइडेंटिफाई अ गैस। सपोज आप एक स्मोक देख रहे हो जो चिमनी से बाहर आ रहा है, उसका कोई फ्री सर्फेस है क्या? नहीं है, इट इज ट्राइंग टू कम आउट ऑफ द चिमनी एंड एक्सपैंड एज मच एज इट कैन एंड स्प्रेड अक्रॉस द एटमोसफेयर। अगर आप एक इंसेंस स्टिक जलाते हो, अगर आप एक अगरबत्ती एक रूम के कोने में जलाते हो, सो उसका स्मेल विद इन मिनट्स रूम के दूसरे कॉर्नर तक पहुंच जाएगा। सो ऑल द पार्टिकल्स ऑफ दैट इंसेंस स्टिक दैट स्मोक इट केम अक्रॉस अराउंड ऑल एवरी एवरी एयर पार्टिकल, इट टच्ड एवरी एयर पार्टिकल इन द रूम एंड गेव इट्स फ्रेगनेंस टू ऑल द अदर एयर पार्टिकल्स इन द रूम, लाइक इट डिफ्यूज एंड लाइक गेव इट्स प्रॉपर्टी टू ऑल द अदर एयर पार्टिकल्स। ठीक है, अब कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, सो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। सो अगर आप एक फिर से हम बलून का एग्जांपल ले रहे, तो बलून इज कंप्रेसिबल टू एन एक्सटेंट दैट इट विल बर्स्ट, लाइक इट इज नो लॉन्गर कंप्रेसिबल। आप अगर एक खाली पिस्टन की बात करो तो वो पिस्टन के अंदर अगर एयर है और आप अगर उसके ओपनिंग को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हो तो यू विल बी इजीली एबल टू पुश दैट पिस्टन और दैट एयर विल बी कंप्रेस्ड इन अ स्मॉल स्मॉल स्पेस और द एयर विल गो आउट। इफ यू प्लग द ओपनिंग ऑफ दैट पिस्टन स्टिल यू विल बी एबल टू कंप्रेस द एयर टू अ कॉर्नर अप टू सर्टेन लिमिट, सो इट्स हाईली कंप्रेसिबल। मे बी अगर 100 ml एयर उसके अंदर उस सिरिंज के अंदर है तो आप उसको कंप्रेस कर सकते हो, लाइक प्रेशर इफ यू आर अप्लाइंग ए प्रेशर इट विल बी कंप्रेस। ठीक है, और एक बहुत रेगुलर एग्जांपल होता है जो गैस LPG और CNG गैस विच वी सी इन आवर डे टू डे लाइफ्स, जो LPG गैस हमारे किचन में यूज होता है, लिक्विड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, दैट इज हाईली कंप्रेस्ड, लाइक कंपेयर टू द वॉल्यूम इट शुड ओरिजिनली बी एंड कंपेयर टू द वॉल्यूम इट इज ओरिजिनली बीइंग इन द सिलेंडर, इट्स लाइक अ ह्यूज डिफरेंस। सो उसको हाईली प्रेशराइज करके उस कंटेनर में हम पुट कर सकते हैं, सो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। सो ये थे हमारे प्रॉपर्टीज। अब हम अगर इन प्रॉपर्टीज को डिस्क्रीटली लिस्ट डाउन करना चाहें तो कैसे लिस्ट डाउन करेंगे वो हम देख लेते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं हम जिससे कि हमें याद रखने में मदद मिलेगा हाउ टू आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस।
तो सबसे 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 सब पहला प्रॉपर्टी क्या देखा था हमने, वॉल्यूम। सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स्ड होता है, राइट। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, गैस का वॉल्यूम इज नॉट फिक्स्ड, राइट। ठीक है ना, ये हमारा पहला प्रॉपर्टी हो गया। सो सॉलिड हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम, गैस डज नॉट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है। शेप, शेप हो गया हमारा दूसरा प्रॉपर्टी। सॉलिड हैज अ डेफिनेट शेप, लिक्विड डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, डिपेंड्स अपॉन द कंटेनर, डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। ठीक है, सो हमने क्या देखा? सॉलिड का एक डेफिनेट शेप होता है, वेर एवर यू कीप दैट सॉलिड इट डजेंट मैटर। अगर वो सॉलिड है सो इट विल रिटेन, ट्राई टू रिटेन इट शेप अंटिल एंड अनलेस एक्सेसिव प्रेशर और टेम्परेचर इज अप्लाइड टू इट। सो सॉलिड ऑलवेज रिटेन्स इट्स शेप एंड इट्स डेफिनेट। लिक्विड डिपेंड्स ऑन द कंटेनर, जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा, अगर हम 1 लीटर पानी को बॉटल से मेजरिंग फ्लास्क में डाल देंगे तो भी वो 1 लीटर ही रहेगा, उसका वॉल्यूम इंटैक्ट रहेगा, बट उसका शेप चेंज हो जाएगा, वाटर का शेप चेंज हो जाएगा फ्रॉम द शेप ऑफ ए बॉटल टू शेप ऑफ ए मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है ना। और गैस का डेफिनेट शेप होता ही नहीं है, जैसे कि हमने बलून और रूम का एग्जाम्पल से देखा। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा प्रॉपर्टी में मूव कर लेते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल, इसको भी हम नॉट कंप्रेसिबल ही बोल सकते हैं, टू स्लाइटली कंप्रेसिबल। और गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है ना। कंप्रेसिबिलिटी एज इन दैट प्रॉपर्टी वेयर वी कैन कंप्रेस एंड चेंज द शेप और डिफिगर द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेप। सो हमने देखा था सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल, लिक्विड्स कैन बी स्लाइटली कंप्रेस्ड टेंडिंग मोर टुवर्ड्स नॉन कंप्रेसिबिलिटी एंड गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। सो इसके बाद हम और एक प्रॉपर्टी हमने देखा, फ्लूइडिटी आर नॉट फ्लूइड एट ऑल, आर फ्लूइड एंड आर हाईली फ्लूइड। सो सॉलिड्स आर नॉट फ्लूइड, इफ वी कीप अ सॉलिड इन वन प्लेस इफ एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड इट विल रिमेन एज इट इज। सो इट्स बिकॉज ऑफ द टेंडेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल्स दैट आर अरेंज्ड। सो अगर एक सॉलिड है उसका मॉलिक्यूल्स अगर टाइटली पैक्ड है उसके सरफेस के अलोंग, सो दैट मॉलिक्यूल्स विल नॉट फ्लो। मैक्सिमम इट हैज द टेंडेंसी टू वाइब्रेट, दैट मॉलिक्यूल्स विल वाइब्रेट इन इट्स ओन पोजिशन बट इट विल नॉट फ्लो एक्चुअली। बट फॉर लिक्विड सिंस स्पेस इज अवेलेबल दे टेंड टू स्लाइड, एंड फॉर गैसेस सिंस अ लॉट ऑफ स्पेस इज अवेलेबल दे ट्राई टू फ्लो इन ऑल द अवेलेबल डायरेक्शंस। सो दिस इज व्हाट डिफरेंशिएट्स बिटवीन सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस। अब और एक प्रॉपर्टी होता है स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स अगर हम देखें तो सॉलिड के बीच में, ठीक है, सॉलिड के बीच में देर इज नो टू वेरी मिनिमम स्पेस, दैट इज द रीजन द अट्रैक्शन इज वेरी हाई, दैट इज द रीजन फ्लूइडिटी इज लेस, दैट इज द रीजन इट्स नॉट कंप्रेसिबल। सो स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स डिटरमाइंस
all of these properties, if you see, the shape is definite because the space between molecules is very less and the attraction force will be large because the space is very less and they are confined together in a closed compact space. So if their attraction is very large, and that's why the volume is fixed too. So space between molecules is very less, but here the space between molecules is more, as we can see. The space is there, little bit more than solids, and space for gases large. The space between gas molecules is large, the largest in all the three, solids, liquids and gases. So the space between molecules is highest in gases and lowest in solids. That means इसके बाद हम अगर स्पेस से रिलेटेड अगर और एक प्रॉपर्टी देख लें, स्पेस ऑफ मॉलिक्यूल्स का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स. सो अगर स्पेस कम है तो अट्रैक्शन हाई होगा, अगर स्पेस थोड़ा सा ज्यादा है तो अट्रैक्शन उससे थोड़ा कम होगा, और अगर स्पेस ज्यादा है तो क्या होगा, अट्रैक्शन कम होगा. सो दैट्स द रीजन अगर थोड़ा सा हम एक्सटर्नल एनर्जी दें, दैट इज अगर टेम्परेचर दे, सपोज फॉर एग्जांपल हमारा मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या होगा, वाटर. सो वाटर इन इट्स मोस्ट कॉमनली अवेलेबल स्टेट इज लिक्विड. अगर हम उससे हीट ड्रॉ करेंगे, हीट निकाल लेंगे उसके लिक्विड स्टेट से, तो इट्स चेंजेस स्टेट एंड बिकम्स सॉलिड. अगर हम लिक्विड उस लिक्विड में हीट देंगे, इफ वी ट्राई टू हीट दैट लिक्विड, देन द स्पेसेस बिटवीन द लिक्विड्स इंक्रीजेस और द रैंडमनेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस. द मॉलिक्यूल स्टार्ट टू वाइब्रेट अ लॉट एंड उसका फॉर्म चेंज हो जाता है टू गैसियस. So it tries to escape the surface of the liquid, that is the top layer of the liquid, and go to the atmosphere. It tries to escape aur uska type ban jata hai gaseous. So attraction between molecules is higher in solid than in liquid and than in gases. It's lowest in gases. Why the attraction is lowest? Because space between the molecules is largest. So इससे हम और एक प्रॉपर्टी भी देख सकते हैं यहाँ पे, मूवमेंट. मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो सॉलिड पार्टिकल्स का मूवमेंट आप गेस करो कैसे होगा. अगर वो कॉम्पैक्टली पैक्ड है, बिकॉज दिस इज द एज ऑफ ए ब्रिक वी आर टॉकिंग अबाउट, सो they will be able to move just to and fro of their mean position. Suppose this is a solid particle and this is its mean position, it will be able to move just to and fro of its mean position, that is maximum it will be able to transfer heat to its adjacent particle. Is side bhi ek particle hoga, agar it will be that particle also will be able to move across its mean position, that is either up or down or sideways. So it will be restricted movement for solid particles. For liquid particles, however, the movement will be a bit more flexible. Like this particle, the first particle over here can move towards the second particle a bit more. The second particle can move towards the first particle a bit more. So hence and so forth. So इससे हम क्या देख सकते हैं कि liquids का movement थोड़ा ज्यादा होता है. लाइक लिक्विड्स आर फ्री टू मूव. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप एक एग्जांपल लो, एक ग्लास लो, एक क्लियर कांच का ग्लास लो और इंक आप उसमें ड्रॉप करते हो. इंक इज अनदर सॉर्ट ऑफ ए लिक्विड जिसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग है, जिस मतलब मॉलिक्यूलर कंपोजिशन भी डिफरेंट है और वाटर का मॉलिक्यूलर कंपोजिशन भी डिफरेंट है, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है. सो अपने इंक को ड्रॉप करा, सो दैट इंक स्प्रेड्स. अब देख पाओगे उसमें कि इंक
स्प्रेड कर रहा है पूरा ग्लास में थ्रू आउट, और थोड़े टाइम में अगर आप उसको स्टर ना भी करो, अगर आप उसको मिक्स ना भी करो, तो इंक पूरा स्प्रेड हो जाएगा पूरे ग्लास में. सो उससे क्या पता चलता है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ ए लिक्विड आर केपेबल ऑफ मूविंग मोर देन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड. सो मूविंग टू गैसेस, gases are even more flexible for movement. They can move in any direction which they want, and they are flexible enough to not retain a shape. So iska attraction or movement ka relationship aap dekh pa rahe hai na. Attraction between molecules agar zyada hai to movement kam rahega. So again it's indirectly proportional. Attraction between molecules agar zyada hai to spaces between molecules kam hoga. That is the reason. अगर spaces कम है मतलब attraction ज्यादा है between the molecules, that means movement कम है. अगर spaces उससे थोड़ा सा ज्यादा है, that is in case of liquids, so attraction उससे थोड़ा कम है और movement उससे थोड़ा ज्यादा है. So space and movement are directly proportional. That is अगर space कम है movement भी कम होगा, attraction ज्यादा होगा. अगर स्पेस उससे थोड़ा सा ज्यादा है, मूवमेंट उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा और अट्रैक्शन उससे थोड़ा सा कम होगा. इन केस ऑफ गैस विच इज टोटली द एक्सट्रीम ऑपोजिट ऑफ स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सॉलिड, स्पेस ज्यादा है, दैट मींस अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स सबसे कम है और मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स सबसे ज्यादा है. सो इसको नजर में रखते हुए दीज आर द डिफाइनिंग फैक्टर्स which distinguish between solids, liquids and gases. So, हम आज के क्लास को यहीं पे कंक्लूड करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इसको और इलैबोरेट तरीके से देखेंगे और भी डिफरेंट चीजें जो मैटर से रिलेटेड है उसको डिस्कस करेंगे. तो अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जो आप इससे रिलेटेड और आप जानना चाहते हैं, तो हमें ईमेल कर सकते हैं आप या फिर कमेंट्स में हमें बता सकते हैं. तब तक के लिए अपना ध्यान रखें. बाय.